तो आज के हमारी इस क्लास में राकेश जी आपके साथ हम बात कर रहे हैं रिलेशन पिवट टेबल के अंदर रिलेशनशिप और पावर पिवट टेबल के बारे में। तो जैसे एक डेटा आप मेरे सामने दिख रहा है जिसमें सेल्स है, डेट है और पीआईडी मतलब कि प्रोडक्ट आईडी, सीआईडी मतलब कस्टमर की आईडी और क्वांटिटी लिखा हुआ प्रोडक्ट है। आईडी, आप जो कस्टमर आईडी एंड क्वांटिटी। पीआईडी है तो इसके प्रोडक्ट के नेम एमआरपी बगैर नहीं है, आपके कस्टमर के नेम और सिटी वगैरह नहीं है, वो डिटेल जो है दूसरे शीट में डली हुई है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल, ये देखिए प्रोडक्ट और एमआरपी डली हुई है, कस्टमर की डिटेल यहाँ पे कस्टमर की डली हुई है। तो मुझे अभी जो रिपोर्ट बनाना है, एक मान लीजिए मुझे बनाना है कि किस किस प्रोडक्ट की टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो अभी जो मैं बनाऊंगा वो प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग बना पाऊंगा क्योंकि तो हमारे डेटा में प्रोडक्ट नेम अवेलेबल नहीं है। अभी तक जो हमने पिवट टेबल सीखा है तो उसको फॉलो करे, तो यहाँ हम उसको नेम मुझे वी लुकअप लगा के प्रोडक्ट नेम को लुकअप करना पड़ेगा, देन पिवट लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें, अगर डेटा आपकी वन टाइम, मान लीजिए एक फिक्स डेटा है तो आप कर सकते हो, वन टाइम फिक्स है तो कर सकते हो, लेकिन अगर डेटा बार बार अपडेट होता है तो उस केस में आपको बार बार वी लुकअप लगा के डेटा को ला के और फिर उसको रिफ्रेश वगैरह करना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए हम रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करना है, उसके दो तरीके हैं। अगर आपको एक या दो डेटा पे करना है तो आप क्या करेंगे, आप पिवट टेबल लगाएंगे। पिवट टेबल लगाते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, दिख रहा है सर, हाँ इस पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। एड दिस डेटा टू डेटा डाटा मॉडल। मॉडल, इस पे क्लिक करना जरूरी है। जब फर्स्ट टाइम क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका पिवट लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके उसके बाद दूसरा डेटा है उसको भी सेम इसी तरह का करेंगे, पिवट टेबल एड डेटा टू डेटा मॉडल, सिंपल है। ओके आप किसी भी पिवट में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑल आ जाएगा, दो फाइल डेटा आ गई सर। इसी किसी पिवट में दो रेंज आ जाए। पिवट ठीक पे जाएंगे, एक्टिव एक्टिव और ऑल, एक्टिव है। और रेंज वन कहलाएगा, मतलब रेंज हो गया आपका पहली पिवट जो सेल्स का है और रेंज वन हो गया दूसरी जो आपकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो लेकिन अभी जैसे मान लीजिए मैं रेंज को उठाया और नेम के हिसाब ले लिया मैंने, और रेंज रेंज वन से नेम ले लिया और रेंज से क्वांटिटी ले लिया, जैसे आप रखेंगे ये आपसे यहां पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन टेबल नीडेड, और रिजल्ट आपका गलत दे रहा है, 9636 सब में सेम रिजल्ट दे रहा है ना सर। गलत दे रहा है। तो इसके बाद यहाँ क्रिएट, अब यहाँ क्रिएट पे यहां से जा सकते हैं या पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप का जो ऑप्शंस है जो कि ऐसे डिसेबल होता है यहाँ एनेबल हो गया। अब यहाँ एनेबल पे क्लिक करें और या क्रिएट पे क्लिक करें, इस तरह का विंडो आएगा। न्यू पे जाए, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ रेंज और यहाँ पे रेंज वन, रेंज हो डाटा गया, मॉडल। रेंज मतलब कि सेल्स का हमने बोला पीआईडी, और रेंज वन मतलब कि प्रोडक्ट की पीआईडी, पीआईडी। ओके तो दोनों में हमने रिलेशन क्रिएट करके ओके कर दिया। जैसे आप ओके करेंगे एंड क्लोज करेंगे यहां देखिए रिपोर्ट आपका चेंज हो सही गया, हो गया। सही हो गया। हाँ अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, एक किसी मुझे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो आप जाएंगे फील्ड सेटिंग में, कैलकुलेटर फील्ड आपका एक्टिवेट ही नहीं है हाँ ना। तो अब यहाँ पे दो चीज आती है, दो प्रॉब्लम आती है कि चलो मेरे पास दो शीट था तो हमने यहाँ पे कर लिया, बट मेरे पास दो से ज्यादा शीट्स है, मेरे पास कई सारे शीट्स है और मुझे अपने डेटा के अंदर में कई सारे कैलकुलेशन भी करना है, तो कैसे करें। तो इसके लिए हमें पावर पिवट की मदद लगेगी। पावर आप पिवट। देखेंगे पावर पिवट जो है 2013 ऑनवर्ड है, उसे पहले वाले वर्जन में नहीं है। ओके तो पावर पिवट मेरे पास तो आ रहा है बट आपके सिस्टम में पावर पिवट नहीं आएगा, तो कैसे आएगा पावर पिवट, तो फाइल में जाइए, ऑप्शन पे जाइए,
और यहां आपको दिख रहा होगा एड इंस, क्या दिख रहा है एड इंस, इस एड इंस पे क्लिक करें, गो पे जाए, ठीक है नहीं माफ कीजिएगा, हमने एक छोटी सी गलती की, हमें एड इंस पे तो जाना है लेकिन डायरेक्ट गो पे नहीं जाना है, मुझे यहाँ एक्सेल एड इंस की जगह पे कॉम एड इंस को सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है कॉम कॉम एड इंस, देन गो पे क्लिक कीजिए और यहां से आप पिवो यहाँ पे यदि आपको पावर पिवट टेबल उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, जैसे ओके करेंगे आपके सामने पावर पिवट का विंडो आएगा। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैनेज आपको दिख रहा है सबसे पहला ऑप्शन, यह है गो टू द पावर पिवट विंडो, क्लिक करते ही एक्सेल की जैसा ही एक अलग विंडोज आपको खुलेगा। अब यहाँ पे आप दिख रहे हैं रेंज वन जो है एडेड है, अभी जस्ट मैंने ऐड किया था ना तो ऐड ले लिया। अब जो मैंने डेटा मॉडल में ऐड करने के लिए बार बार पिवट लगा रहा था, हम पिवट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पावर पिवट में ऐड टू डेटा मॉडल ऑटोमेटिकली, ऐड टू डेटा मॉडल मतलब कि जो मैनेज वाले विंडोज पे वो मूव कर जाएगा, ठीक है मूव हो गया ओके। तो तीसरा भी मेरे पास है सी आई डी सिलेक्ट किया और इसको मैंने एड टू डेटा मॉडल और मैंने इसको मूव कर, लेकिन ध्यान रखिएगा माई टेबल हैज ए हेडर पे जरूर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा हेडिंग नहीं लेगा, फिर कॉलम वन टू हेडिंग हो जाएगी आपकी। तो तीनों शीट्स मैंने पिवट टेबल के में हमने डेटा मॉडल हमने ऐड कर लिया। अब इसके नेम में भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसका कर देता हूँ सेल्स, क्योंकि मेरा नेम जो है सेल्स है ना सर, रेंज वन है प्रोडक्ट और टेबल टू जो है कस्टमर। तो अभी तक तो यही हुआ कि वो जो एक्सेल था वो हम पावर एक्सेल में ले आए, यही हुआ ना। हाँ, अभी जो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने बताया कि आप एक दो पिवट पे बिना कैलकुलेशन करने के लिए आप पिवट टेबल लगाना है तो आप रिलेशनशिप से इजीली लगा सकते हैं, राइट। अभी बात आती है कि मुझे और भी ज्यादा कस्टमाइज कैलकुलेटिंग और बहुत सारे डेटा पे वर्क करना है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें पावर एक्सेल पावर पिवट यूज करना होगा। तो पावर पिवट पे मैनेज में जब क्लिक करेंगे तो मुझे इस तरह का विंडो आएगा, सबसे पहले तो मुझे डेटा इसमें इंपोर्ट करना होगा ना, इंपोर्ट करना होगा, करेक्ट, तीनों डेटा इंपोर्ट कर लिया, डेटा मॉडल से मैं डेटा तीनों इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी तीनों डेटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब correct, मुझे correct. तीनों डेटा को बताना है कि भाई इस डेटा का ए फील्ड, इस डेटा का ए फील्ड, इस डेटा का ए फील्ड कॉमन है, ताकि अगर मैं बोलूंगा कि भाई फलाने नंबर पीआईडी का नेम उठा लो तो ऑटोमेटिक पीआईडी से बिलुकअप लगा लेगा बैकएंड में, बिलुकअप जैसा। तो इसके लिए आपको जाना होगा डायग्राम व्यू, दिख रहा है आपको डायग्राम व्यू, इस डायग्राम व्यू पे आप जाएं, तीनों टेबल जो है जैसे एमएस एक्सेस में होता है ना सर, उस तरह से इस तरह से आ जाएगा। तो यहां आपको रिलेशन करने के लिए सबसे पहले तो अपना मेन टेबल जो है उसको घर पकड़ लीजिए, डायग्राम व्यू ओके, पीआईडी को उठाइए और इसके मेन टेबल के पीआईडी पे ड्रॉप कर दीजिए और सीआईडी को उठाइए, सीआईडी के मेन टेबल पे ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज, आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो दो टेबल है, मेन टेबल है और ये आपका सेकेंडरी टेबल, वो टेबल वन टेबल टू मान लीजिए, तो टेबल वन के अंदर में जो जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, मैं मान लीजिए सीआईडी से कनेक्ट कर रहे हैं ना सर, तो टेबल टू में मेरा सीआईडी मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है ओके, पर टेबल वन में आपका सीआईडी वन टाइम होना चाहिए, मतलब कि जो हम रिलेशन दो टेबल के बिटवीन में करते हैं उसका नियम ये है कि एक टेबल में आपका मल्टीपल डेटा रहेगा तो चलेगा, मैं मल्टीपल रिपीटेड रहेगा वो फील्ड तो चलेगा, बट दूसरे में वो डेटा रिपीटेड नहीं होना चाहिए, जैसे कस्टमर नंबर वन जो है सीआईडी वाले कॉलम में एक ही बार होना चाहिए, समझ गया, जरूरी है, रिलेशन लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा। तो हमने दोनों फाइल को रिलेट कर लिया, ये समझ में आ गया आपको, हाँ। अब आते हैं डेटा व्यू में, डेटा व्यू में आने के बाद आप यहां देखिए कि हमारे पास हम सेल्स पे चलते, मेन सेल्स ही हमारा है ना सर, तो कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ एमआरपी लाना है,
तो हमने यहाँ पे एमआरपी का एक कॉलम ऐड किया, यहाँ पे आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये सिमिलर टू पावर बी आई है सर, पावर बी आई की जो बैकएंड है वो है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे वीलुकअप का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रिलेटेड का फॉर्मूला होता है। रिलेटेड में मैंने बोल दिया कि प्रोडक्ट की एमआरपी, तो प्रोडक्ट की एमआरपी जो है यहाँ पे लुकअप होकर जाएगी। ये जो चीजें हो रही है मैं ओरिजिनल डेटा पे नहीं हो रहा है, हमने जो डेटा इंपोर्ट किया है ना बैकएंड में वहां हो रहा है सर। इससे हमारे डेटा का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कि डेटा में आपका नया एमआरपी कॉलम ऐड हो जाए, नहीं। और मैं इस एमआरपी, मान लीजिए मुझे एमआरपी नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए, तो मैंने अमाउंट ले लिया और एमआरपी को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी, ठीक है, सेल्स की क्वांटिटी। तो यहां पे हमारा अमाउंट आ गया। ऐसे मुझे जीएसटी निकालनी है तो यहां पे जीएसटी लगा सकते हैं, जीएसटी। फिर इसके अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, रिलेटेड के अलावा बहुत सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले भी आप लगा सकते हैं, सारे फॉर्मूले इसमें लगा सकते हैं। जब भी फॉर्मूला लगे तो आर से लगे या कोई भी फॉर्मूला लग सकता है? नहीं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने आर के टाइप की है ना, जैसे मुझे जीएसटी निकालना है तो मान लीजिए इसमें वीलुकअप भी यूज होता है, नहीं वीलुकअप तो ऑलरेडी है इसमें, वीलुकअप नहीं होगा, वैल्यू है, वेरिएंस है। तो सारे एक्सेल फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं इसमें, जब एफएक्स पे क्लिक करेंगे ना तो आपका फॉर्मूले लिस्ट आ जाएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले आपका ये वर्क करेंगे, ओके, ठीक है। अब इसमें आप देखिए आ गया लॉजिकल, आ गया फिल्टर, आ गया इन्फॉर्मेशन, आ गया इसमें देखिए लुकअप नहीं फॉर्मूले है ना, है लुकअप नहीं, लॉजिकल इफ के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे, इफ स्विच वगैरह लग जाएगा, टैक्स के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्टैटिकल लग जाएंगे, मैथमेटिकल, डेट एंड टाइम लग जाएगा, इसमें फिल्टर फॉर्मूले हैं, फिल्टर में आपका फिल्टर फॉर्मूले लग जाएगा यहाँ पे, फिल्टर के अंदर रिलेटेड का फॉर्मूला है, ये चीजें आप लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां हमने जीएसटी के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि अमाउंट का, अब यहां पे मुझे क्या निकालना, 18%, तो मैं 18% का सिंबल दिया एंटर मार, एक एरर आ रहा है। ध्यान रखिएगा यहां परसेंटेज जो है 18% जो है, जो आपका परसेंटेज का सिंबल जो है वो वर्क नहीं करता है, डॉट 18% हमने किया, अब ये आपके पास आ गया। इसमें और भी चीजें ऐड की जा सकती है सर, ठीक है। अच्छा एक चीज पूछना था, एक बार प्रोडक्ट पे जाएंगे क्या, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे, अच्छा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हमने उधर के सेल्स के प्रोडक्ट से रिलेशनशिप कर दिया था, तो एमआरपी इनटू क्वांटिटी, एमआरपी इनटू क्वांटिटी ले लिया था। हाँ, ये तो डेटा जस्ट कॉपी किया है सर, मैं समझे, हाँ, ये प्रोडक्ट वाला डाटा कॉपी किया वो समझ में आ गया, सेल्स में जो हमने जो चेंजिंग किया अभी मेन टेबल सेल्स पे किया ना सर, करेक्ट। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, रिलेटेड फॉर्मूला लगा के हमने एमआरपी उठाया है सर, क्योंकि एमआरपी तो प्रोडक्ट शीट में है ना, हाँ हाँ, रोज और कॉलम नंबर भी नहीं आ रहा है, रोज आता है नंबर बट कॉलम नंबर तो नहीं आता, कॉलम नंबर नहीं आता, फिल टू फिल चलता है, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे डिजाइन में, यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, जैसे यहाँ पे होम में ही आपको दिखेगा पिवट टेबल, ठीक है, पिवट टेबल के बाहर आपको पिवट टेबल न्यू शीट पे लग के आ गया, तीनों हेड है यहाँ पे आ गया, तीनों हेड है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सेल्स में आते हैं, मुझे अमाउंट का टोटल चाहिए, उसके बाद कस्टमर के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम का कॉल, स्लाइसर भी ऐड करेंगे तो तीनों फील्ड पे स्लाइसर ऐड होगा, पिवट एनालाइज में गया मैंने स्लाइसर पे गया तो देखो तीनों टेबल आ रहा है सर, इसमें मान लीजिए मुझे स्लाइसर जो चाहिए वो चाहिए सिटी वाइज, सिटी वाइज स्लाइसर, ये हमारा पावर पिवट, पिवट टेबल में और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, समझे, हाँ हाँ।
शुरुआत जो है इससे करना है, शुरुआत जो है इससे करना है। एडवांस में क्रिएट एंड मैनेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैनेज आता है, यहाँ पे जो जो फील्ड ऐड हुई है टेबल्स है कस्टमर आईडी सीआईडी नेम और यहाँ पे सबके फील्ड्स आपको दिखते हैं, दिख रहे हैं सर? टेबल्स आ गया, तो न्यू प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज आएगा, फील्ड है इसमें, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तो न्यू प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो ये चीजें भी इसमें अवेलेबल है, तो ये चीजें भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये चीज हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे कि आखिर इसका यूज कहाँ और किस तरह का होता है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। बाकी तो आप देखें मार्क एज डेटा टेबल आपको दिख रहा है, मार्क एज डेटा टेबल डेट टेबल होता है ना, डेट ये है इंटरेस्टिंग, बट अब थोड़ा लगता है टाइम देना पड़ेगा इस पर, जैसे बहुत सारी चीजें हैं आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे किया तो एक डेट का टेबल अलग आ गया यहाँ पे कैलेंडर के साथ। ठीक है सर, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे बना। ओके ठीक है सर, और कल के लिए फिर कल से सर।